कोरोना मरीज को लगे चाय पीने की तलब, कई लोगों की जान जोखिम में पड़ी, मचा हड़कंप। जी हाँ, कोरोना वायरस के मरीज को अचानक चाय की तलब लग गई, जिसने कई लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया। लोगों को जब पता चला कि ये शख्स कोरोना पॉजिटिव है, तो उनके हाथ पांव फूल गए। दरअसल कोरोना संक्रमित बुजुर्ग मरीज अस्पताल से चुपचाप निकलकर बाहर आ गया। बाहर आकर वो एक चाय के दुकान पर आया और चाय पीने बैठ गया। जब अस्पताल प्रशासन ने मरीज के गायब होने की सूचना फैली तो हड़कंप मच गया। अस्पताल के कर्मचारियों को बुजुर्ग मरीज बाहर दुकान पर चाय पीता मिला। जब चाय वाले और अन्य लोगों को उसके कोरोना वायरस होने की बात पता चली तो सबके होश उड़ गए। मामला है कर्नाटक के मैसूर का। नगर भावी के रहने वाले बुजुर्ग को यहाँ एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहाँ जब उसका टेस्ट किया तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रिपोर्ट आने के बाद बुजुर्ग को मंगलवार की रात कोविड-19 केयर अस्पताल में रेफर किया गया। बुजुर्ग अस्पताल में ही एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा था, तभी उसे चाय की तलब लगी। बुजुर्ग ने बताया कि मंगलवार की सुबह लगभग 5 बजे उसने अस्पताल स्टाफ से चाय मांगी। स्टाफ ने बुजुर्ग को चाय नहीं दी तो सुबह करीब 7:30 बजे तक उनकी चाय पीने की तलब और बढ़ गई। बुजुर्ग ने कहा कि जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अपने हाथ की लूट निकाली और स्टाफ की नज़र से बचा अस्पताल के बाहर आया गए। बाहर आकर एक चाय की दुकान पर चाय पीने लगे। वही चाय की दुकान पर मौजूद एक अन्य ग्राहक ने बुजुर्ग के हाथ पर भिगो देखा तो इसके बारे में पूछा। इस पर बुजुर्ग ने बताया कि वो कोरोना वायरस है, उसके दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाना है, उसे चाय पीनी थी इसलिए दुकान पर आ गया। ये सुनकर दुकान में मौजूद लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी।